दिस न्यूज इज को स्पॉन्सर्ड बाय मोती महल डीलक्स 100 ईयर्स ऑफ ब्रिलियंस एंड आशी द फैशन स्टूडियो। एचआरटीसी सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ की बैठक आयोजन वरिष्ठ नागरिक कल्याण सभा के सभागार में आयोजित की गई। एचआरटीसी सेवानिवृत्त कर्मचारी लंबे समय से पेंशनरों को पंजाब की तर्ज पर नए स्केल पे भत्ते देने की मांग कर रही है, लेकिन सरकार एचआरटीसी की मांगों को अनदेखा कर रही है। वहीं संघ ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि जल्द ही उनकी मांगों को प्रदेश सरकार पूरा नहीं करती है तो आने वाले चुनावों में सेवानिवृत्त पेंशनर सरकार को इसका करारा जवाब देंगे। इस दौरान एचआरटीसी के अध्यक्ष ब्रिजलाल धीमान ने कहा कि सरकार समय रहते एचआरटीसी पेंशनरों की मांगों को पूरा नहीं करती है तो जिस तरह से पंजाब में बीजेपी और कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है, उसी तरह पेंशनरों को अपनी मांगों को पूरा करने के लिए तीसरी पार्टी का रुख करना पड़ेगा। ये संदेश देना चाहता हूँ कि हिमाचल सरकार ने अपने कर्मचारियों और अपने पेंशनर को जो है पंजाब स्केल अनाउंस किया हुआ है, तो हमारी यही उम्मीद है और यही डिमांड की हुई है कि जैसे ही सरकारी कर्मचारी या पेंशनर को उनके नए स्केल पे भत्ते रिलीज किए जाएं, उसके साथ ही एचआरटीसी के पेंशनर को भी वो भत्ते जो है जारी कर दिए जाएं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आगामी कार्यवाही के लिए भी एचआरटीसी पेंशनर जो है वो तैयार रहेंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो, अगर सरकार ना माने तो अभी हिमाचल सरकार के इलेक्शन भी आने जा रहे हैं, जिसका हमारी सरकार को भी पता है कि अभी जो पंजाब में हाल हुआ है जिसमें ना तो कांग्रेस को मेजॉरिटी मिली ना तो बीजेपी को मिली, और आप पार्टी जो है उन्होंने जो है बहुमत हासिल किया। हो न हो, अगर हिमाचल सरकार भी उसी रवैये पे चलती रही तो हिमाचल में भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि जो स्टेटमेंट मुख्यमंत्री ने विधानसभा में दी कि कर्मचारी रिजाइन दें अपनी नौकरी से और इलेक्शन लड़े और पेंशन ले लें, अगर ऐसा ही है किसी ने रिजाइन दे के इलेक्शन लड़ना है तो इनकी क्या जरूरत रहती है। तो हम यही बता रहे हैं सीएम साहब को कि समय बहुत नज़दीक आने वाला है और एचआरटीसी के जितने भी पेंशनर हैं उनको पंजाब स्केल तुरंत रिलीज किया जाए और उसकी जो अदायगी बनती है जो इतने सालों से हमारा पेंडिंग पड़ा हुआ 2015 से आज तक का एरियर, उसका भुगतान भी जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करें। के चैनल के लिए मंडी से शिवानी की रिपोर्ट।